वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हमारे पुशपुल लेग का डे 4 है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आज से पहले हमने जो तीन वीडियोस डाली थी वो सेट 1 में थी। आज के बाद जो हम तीन वीडियोस डालेंगे वो सेट 2 की हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक सेट परफॉर्म कर सकते हो अपने 2 या 3 वीक्स के लिए, और देख सकते हो कि आपको कौन से सेट से ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है। अब देरी नहीं करते, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि आज हम कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। आज हमारा फ्लैट बेंच है, फ्लैट बेंच पे हम 5 सेट लगाएंगे 15 रेपिटेशन के साथ। उसके बाद बिहाइंड द नेक लगाएंगे 3 सेट 25 रेपिटेशन के साथ। उसके बाद वेटेड डिप्स लगाएंगे 3 सेट 30 रेपिटेशन के साथ। उसके बाद स्टैंडर्ड केबल क्रॉसओवर लगाएंगे 5 सेट 25 से 30 रेपिटेशन के साथ। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाएंगे 5 सेट 50 रेपिटेशन के साथ। उसके बाद सीटेड डंबल लगाएंगे, डंबल लैटरल रेस लगाएंगे, वो भी 5 सेट अपने 30 से 35 रेपिटेशन के साथ। और अब देरी नहीं करते, जल्दी से जिम चलते हैं, चेंज करते हैं और जिम चलते हैं। हमने यहाँ पे अपने फ्लैट बेंच के सारे सेट परफॉर्म कर लिए, 5 सेट जो 15-15 रेपिटेशन के लगाने थे। अब मैं थोड़ा सा अपना PR चेक कर रहा हूँ कि कितने रेपिटेशन लगते हैं। ये 100 kg है, इसके मैंने 8 रैप लगाए थे। अगला सेट जो हमारा है वो है 110 kg, उसका मैंने 1 रैप लगाया था। थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही थी बॉडी में, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा PR टच करेंगे। Yeah, let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. Yeah, oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind in they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy, cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss, and it ain't something that I'm. ये हम सीटेड बिहाइंड दी नेक प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें मैंने 12.5 kg एक साइड पे डाला हुआ है, जिसके हमें रेपिटेशन निकालने हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम रेगुलर वेट उठाते हैं और पुश पुल में जो वेट उठाते हैं वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि उसमें हमें रेपिटेशन ज़्यादा रखने होते हैं। इसलिए look, I just need the info pronto. I go and get it, split it with my kinfolk daily. And I'm यहाँ पे हम वेटेड डिप्स लगा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने 2 सेट लगाए थे उन पे मैंने 5-5 kg ऐड किया था, बट यहाँ पे काफी एग्जॉस्ट हो गई थी आर्म्स, इसलिए अब मैं अपने बॉडी वेट लगा रहा हूँ। जिनसे वेटेड नहीं लगते वो अपने बॉडी वेट के डिप्स भी लगा सकते हैं। ये है हमारी स्टैंडर्ड केबल क्रॉसओवर। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया था, इसके मैंने जितने रेपिटेशन आए उसके बाद हमने इसको ड्रॉप सेट बनाया था। तो आप अगर हैवी वेट मारना चाहते हो तो आप उसको भी मार सकते हो ड्रॉप सेट बना के, पर आपको अपने रेपिटेशन पूरे करने हैं, क्योंकि पुश पुल में हमारे रेपिटेशन जो होते हैं वो हाई होते हैं और इंटेंसिटी भी हाई होती है, इसलिए हमें उस हिसाब से वेट उठाना चाहिए जो हमारे रेपिटेशन कम्प्लीट करे। ये हमारी ट्राइसेप एक्सटेंशन है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जब मेरी आर्म्स नीचे जा रहे हैं तो मैं अपनी चेस्ट अप कर रहा हूं और शोल्डर्स को नीचे को पुश कर रहा हूं, जिससे कि मेरे शोल्डर पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रही, सारा टेंशन मसल को मिल रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने शोल्डर्स ऊपर उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में भी पेन हो जाती है। आप इस सेट को इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। ये हम सीटेड डंबल लैटरल रेस परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आप हमारी पोजीशन देख सकते हैं, बिल्कुल स्टेल है। आपको भी ये सेट इसी तरह परफॉर्म करना है, आप उस हिसाब से वेट उठाएं कि आपके रेपिटेशन भी सही आए और आपकी जो अपनी फॉर्म है वो भी ख़राब ना हो, जिससे कि आपके शोल्डर पे पूरा इफेक्ट पड़े। हम जिम से वापस आ चुके हैं, आज का हमारा वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।